Uh, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे फिर से दोबारा मौका मिला है uh, इसमें मैं आप you, इन, इन uh, आपको इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको मेरे में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें एम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक से रिलेटेड कवर हो जाए सो इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल क्वालिटेटिव एंड क्वानिटेटिव एनालिसिस निस इज एनालिटिकल केमिस्ट्री सो व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री

पर्टिकुलर सब्सटेंस के गुणों का जब विश्लेषण करते हैं तो उसे क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं और जब हम उसकी क्वांटिटी का पता करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव और इसे हम कह सकते हैं गणनात्मक इसको हम कह सकते हैं कि हम उसकी गणना करते हैं उसके अमाउंट को पता करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस नाउ क्वालिटेटिव एनालिसिस को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी होंगी और कुछ उससे रिलेटेड हमें पढ़ने होंगे कुछ क्या क्या लॉज उसमें काउंट करते हैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर मिक्सचर हम किसे कहते हैं मिक्सचर क्या है एक कंपोनेंट से ज्यादा कंपोनेंट को जब हम मिला देते हैं तो वो जो कंपोनेंट बन जाते हैं उसको हम कहते हैं मिक्सचर उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे अब ये मिक्सचर अगर हम इन टर्म्स ऑफ क्या देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्म्स में अब मैं आपको सब बता रही हूँ कि अगर हम मिक्सर को देखें तो वो दो तरीके का हो सकता है एक हो सकता है होमोजेनियस मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर आप जानते हैं जैसे पूरा एक सार होना थ्रो यूनिफॉर्म थ्रो आउट जैसे अगर हम चीनी को पानी में घोलें या नमक को पानी में घोलें तो वो क्या हो जाता है एक सार हो जाता है तो उसको है हम क्या कहते हैं सॉल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर यहां पर साइज का अंतर है और जो साइज है वो सॉल्यूट का साइज है एक्चुअली जब हम mixture, अब हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं या हम अभी सस्पेंशन की बात करेंगे या कोलॉइट्स की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं जो सॉल्यूट का साइज होता है वहां पर वो पॉइंट से टू नैनोमीटर होता है इफ यू कम टू द हेट्रोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर मीन्स देयर आर दी दी सॉल्यूट इज नॉट डिजॉल्व इन द सोलवेंट यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा जैसे कोलाइट्स है Colloids का साइज में जो सॉल्यूट्स का साइज होता है वो टू से नैनोमीटर तक होता है और suspension, suspension में क्या होगा? 1000 से, uh, करते हैं आपने कई बार किया होगा अगर आपने आपने अपने इंटरमीडिएट में या बीएससी में कभी कोशिश करी होगी तो जब आप इनऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस करते हैं तो कभी क्या होता है कि फिल्टर छन जाता है और कभी फिल्टर नहीं छनता तो क्या दिक्कत आती है कभी कभी जब हम प्रेसिपिटेशन करते हैं तो कोलॉइड्स का फॉर्मेशन होता है अगर बन गया, तो फिर वो छनेगा नहीं पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है जिसमें आपको प्रेसिपिटेट भी दिख रहा होगा वो क्या होगा पूरा का पूरा छनने लगेगा कोई स्केच चला रहा है इसको स्केच को बंद करना होगा तो ये जो है कोलाइड्स जो है कोलाइड्स क्या करते हैं कोलाइड्स छन नहीं पाते जबकि देती हेलो ये सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कोई भी पेन यूज ना करे मैं यहां से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कौन यूज कर रहा है प्लीज मैम कंटिन्यू करिए हाँ ये जो हाइट्रोजीनियस मिक्सचर है वहां पर क्या है दो तरीके की प्रॉपर्टीज है एक कोलॉइड्स है और एक सस्पेंशन है कोलॉइड्स जो छन नहीं पाएंगे फिल्टर नहीं होंगे तो आपको जब हम इनऑर्गेनिक मिक्सचर करते हैं तो हमें क्या चाहिए जो आसानी से छन जाए उस तरीके का हमें मटीरियल चाहिए एक्चुअली सस्पेंशन का एग्जाम्पल जैसे आप मिट्टी को पानी में मिलाइए तो वो घुलेगा नहीं तो वो क्या है सस्पेंशन जहां पर पार्टिकल साइज आसानी से दिखेंगे ओके और कोलॉइड्स का एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिल्क uh, देखेंगे तो मिल्क को हम छान नहीं सकते जबकि उसमें प्रोटीन्स हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है कोलॉइड्स का एग्जाम्पल है देन uh, अब देखें क्वालिटेटिव एनालिसिस को क्वालिटेटिव एनालिसिस को एनालिसिस को अगर हम देखेंगे uh, शालिनी ये हट सकते हैं ये जो स्केच से बन गए हैं कुछ बैक जा आ, सकता है मैम आपके उसमें कुछ वो दिखाई दे रहा है रब करने का ऊपर पेंसिल वगैरह जहाँ आती है ना वहीं पे कहीं इरेज करने का आ रहा है कुछ अच्छा नहीं आ तो नहीं रहा है चलो कोई बात नहीं रहने तो फिर हर स्लाइड में आएगा ना वो ये पता नहीं किसने कर दिया ऐसे एक बार विवेकानंद सर का हुआ तो उन्होंने अपनी साइड से ही किया था इरेज कुछ ऊपर जहाँ पेन वगैरह आता है इरेज करने का होगा हाँ आया है आया क्लियर आ गया देखते हैं हाँ, हाँ ये, ये, ये फिर बच्चे लिख रहे हैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कोई भी पेन यूज ना करे अब एक काम और करना पड़ेगा पढ़ाने वाले को मिटाना भी पड़ेगा आपके ठीक है क्वालिटेटिव एनालिसिस अब क्वालिटेटिव एनालिसिस को अगर देखिए तो क्वालिटेटिव एनालिसिस कई तरीके का होता है एक होता है मैक्रो एनालिसिस मैक्रो एनालिसिस जिसमें कि हम काफी ज्यादा अमाउंट को यूज कर सकते हैं जैसे पॉइंट वन से हम यूज कर सकते हैं uh, वन uh, ग्राम तक जैसे हम इनऑर्गेनिक मिक्सचर आप जनरली लैब में करते हैं बहुत सारा मिक्सचर आप बर्बाद भी करते हैं और वो इतना सारा आपको मिलता है उससे आप करते हैं तो वो मैक्रो एनालिसिस है आप जो करते हैं वो माइक्रो है. एनालिसिस होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस में वो सेमी माइक्रो एनालिसिस दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मिक्सचर कितना हम ले रहे हैं हम कितने कम से कम में यूज कर सकते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हम उसको एनालिसिस बोलेंगे तो अब हम लास्ट में देखेंगे देखिए स्पॉट एनालिसिस स्पॉट एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो हम वो अमाउंट पीपीएम को कर सकते हैं, मतलब, अगर हम कर रहे हैं तो रिएजेंट्स की बर्बादी कम होगी और जितना हम ज्यादा अमाउंट लेंगे मैक्रो एनालिसिस की और अगर हम जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट हमें लेना होगा तो ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसको हम डिवाइड करते हैं the basis of amount taken for the analysis. Okay. So spot analysis जो है वो सबसे अच्छा method अगर हम chemical method देखें हम chemical method की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो reagent use होगा वो सबसे कम amount का use होगा तो हम divide कर सकते हैं मैं Hello. 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 सम अदर टर्मिनोलॉजीड टर्मिनोलॉजी है ये मैंने एक रिएक्शन लिखी है और ये है न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट कर रहे हैं तो एक सॉल्ट और पानी बना रहे हैं ये सोल्ट का कम्पोजिशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है एन ए प्लस है और सी एल माइनस तो ये जो एन ए प्लस है ये कहां से आया देखिए बेस से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है एक बेसिक रेडिकल है क्योंकि ये कहां से आया बेस से आया अगर हम क्लोराइड को देखें तो ये क्लोराइड कहां से आया देखिए एसिड से तो क्योंकि ये एसिड से आया है इट इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज सो इट इज एन एसिडिक एसिडिक रेडिकल तो हम और और बेसिक अम्लीय क्षारीय मूलक की बात मैं कर रही हूं अम्लीय मूलक को अगर हम देखेंगे वो उसको अम्लीय मूलक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहां से आता है एसिड से और जो बेसिक जो बेसिक रेडिकल है या क्षारीय मूलक है वो कहां से आते हैं बेस से तो उसी पर बेस्ड हम उनका नाम लिखते हैं अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि अगेन यूज होती हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस एनालिसिस में मिक्सचर में और वो है देखिए डिजोल्यूशन प्रोसेस इन इन द द आयनिक सॉलिड पोलर सॉल्वेंट तो डिजोल्यूशन क्या है आ, क्योंकि हम जब इनऑर्गेनिक मिक्सचर की बात कर रहे हैं मतलब वो आयनिक सॉलिड है जो कि पानी में आसानी से घुल जाएगा तो वो आयनिक सॉलिड पानी यानी पोलर सॉल्वेंट हम किसकी बात कर रहे हैं पानी की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं डिजोल्यूशन यहां पर जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट होगा और पानी क्या होगा आसानी तो से घुलेगा सॉल्यूशन मीन्स जैसे हमने नमक को पानी में डाला और डाला और डाला गर्म करते रहे और एक समय ऐसा आएगा जब वो घुलना बंद हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं संतृप्त विलियन उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन तो ये है सॉल्यूशन जहां पर हम एक समय के बाद फिर सॉलिड उसमें डिसॉल्व नहीं होगा उसे कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है दो तो ये जो टर्म है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि पानी में जब हम डिजोल्व करेंगे तो वो क्या होंगे कंप्लीटली आयनाइज्ड है देखिए एक एरो से मैंने इसको दिखाया सिंगल एरो सिंगल एरो का मतलब है रिएक्शन एक साइड हो रही है तो ये H प्लस एंड सी एल माइनस में ये डिसोशिएट हो जाएगा तो ये क्या है कंप्लीटली आयोनाइज है इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसको हम आ, इसको हम क्या कहते हैं विद्युत अब ओके वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा है दुर्बल वैध्युत अपट्टी इसे हम कहते हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता बट इट इज इन इक्विली विद इट्स आयंस देखिए ये आयंस के साथ इक्विलीबिलियम है तो यहां पर हमने कैसा साइन लगाया है इक्विलीबिलियम का साइन लगाया है जबकि यहां पर हमने एक सिंगल एरो दिखाया है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये रिएक्शन यहां भी हो रही है और यहाँ दोनों साइड चल रहा है और ये अपने आयंस के साथ इक्वली में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये दो पॉइंट आप याद रखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि इनऑर्गेनिक एनालिसिस में दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ओके नाउ ओरिजिनल सॉल्यूशन ये एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इनऑर्गेनिक मिक्सचर से रिलेटेड और उसको हम ओरिजिनल सॉल्यूशन कहते हैं और ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है एक्चुअल में ये एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसे जो इनऑर्गेनिक मिक्सचर हमें मिलता है उसको हम डिफरेंट सॉल्वेंट में डिजोल्व कर सकते हैं जैसे उसका सिक्वेंस है पहले हम मिक्सचर को किसमें डिजोल्व करके देखेंगे कोल्ड वाटर में तो कोल्ड वाटर में अगर हम उसे डिजोल्व करेंगे अगर वो घुल जाता है क्लियर सोल्यूशन मिल जाए दिस सोल्यूशन में भी कलर्ड सोल्यूशन कलर्ड हो सकता है लेकिन क्लियर होना चाहिए तो फिर वो ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया अगर वो नहीं घुला तो हम क्या करेंगे उस पानी को गर्म करेंगे अगर वो घुल गया तो फिर वो ओरिजिनल सॉल्यूशन है अगर वो नहीं घुला तो फिर हम उसको किसमें डिजोल्व करेंगे एसिड में, में देखिए हम एसिडिक बढ़ाते जाएंगे सॉल्वेंट का फिर देखिए अगर वो डायलूट एसिड में भी नहीं घुल रहा है तो हम किस में मिलाएंगे कंसनट्रेटेड एच में अगर वो इसमें भी नहीं घुल रहा है तो हम किसमें मिलाएंगे डायल्यूट एचन में फिर कंसेंट्रेटेड एच में फिर वो कंसनट्रेटेड एचनो में भी अगर नहीं डिजोल्व होगा तो किस मिलाएंगे एक्वार

ठीक है जैसे आप पीले कलर का सोल्यूशन देखते हैं आपने पोटेशियम क्रोमेट का सोल्यूशन देखा होगा तो वो पीले रंग का होगा लेकिन ट्रांसपेरेंट होगा प्रेसिपिटेट नहीं होना चाहिए या रेजिड्यू नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि ये बेसिक रेडिकल्स के आइडेंटिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं इसलिए बनाते हैं क्योंकि तो कई बार क्या होता है कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं मिक्सचर में फॉर एग्जांपल जैसे बेरियम का सल्फेट है या हमारे पास लेड का सल्फेट है सल्फेट्स जनरली क्या होते हैं वो जैसे पानी में अगर घोलेंगे तो वो आयनाइज नहीं होगा तो हम क्या करेंगे उसको आयनाइज बनाना चाहते हैं हम तो हम क्या करेंगे कि मिक्सचर को किसके साथ मिलाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ अब मान लीजिए हमारे मिक्सचर में क्या है हमारे मिक्सचर में है सल्फेट ठीक है सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करी तो क्या बन जाएगा सोडियम सल्फेट सल्फेट पहले नहीं घुल रहा था जब वो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हुआ तो वो क्या बन गया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं इसलिए हम क्या बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट जिससे हमें क्या मिल जाए सोडियम के सोलबल सॉल्ट मिले और उससे हम टेस्ट कर पाए इनऑर्गेनिक मिक्सचर के लिए जरूरी है कि वो पानी में आ जाए जो भी आयंस हैं, तब हम उनका टेस्ट कर पाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में क्या अभी मैं आपको बनाना भी दिखाऊंगी कि हम क्या करते हैं वन पार्ट मिक्सचर एंड थ्री पार्ट एन ए टू सीओ थ्री उसमें मिलाएंगे डिस्टिल्ड वाटर 15 मिनट तक उससे बॉईल करेंगे फिर उसे छान लेंगे जो फिल्ट्रेट होगा जो लिक्विड आएगा वो क्या होगा सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट उसका यूज हम करते हैं फर्दर टेस्ट करने के लिए उन आयंस के जिन आयंस का टेस्ट हम आसानी से नहीं कर सकते जो आयनाइजेबल नहीं होंगे हम क्या करेंगे सोडियम के सॉल्ट बना लेंगे ठीक है अब मैं आपको कुछ आ, कुछ थ्योरीज कुछ शॉर्ट में बताऊंगी कि जो हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस में बार बार यूज होंगी वो क्या थ्योरी है नंबर वन थ्योरी है अरिनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन तो अरिनियस के अकॉर्डिंग क्या है जब भी हम किसी सब्सटेंस को अब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोलेंगे तो वो अपने आयंस में टूटता है आपने अरिनियस की एसिड बेस की थ्योरी तो पढ़ी होगी वो अपने आयंस में टूटता है अब जो आयंस में टूटता है तो दो तरीके के आयन बनेंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव पोल की ओर मूव करता है अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव पार्टियों को यूज मूव uh, करता है जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा आफ्टर डिजोल्यूशन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगी कि सॉल्यूशन में कौन से आयंस बन रहे हैं अगर एच प्लस आयन बनेंगे तो उसका नेचर कैसा होगा एसिडिक होगा अगर ओ एच माइनस आयंस बनेंगे तो कैसा नेचर होगा बेसिक नेचर होगा तो सबसे पहले क्योंकि इनऑर्गेनिक मिक्सचर का मतलब हमें आयंस चाहिए आयंस क्या करेंगे आयंस जब अलग अलग हो जाएंगे तो ही हम उनका क्या कर सकते हैं टेस्ट आपने देखा Na प्लस अलग हुआ था सी एल माइनस अलग तो उन दोनों के हम क्या कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं फिर तो अरिनियस की थ्योरी सिंपल थ्योरी है कि हम जब किसी सब्सटेंस को आयनिक सब्सटेंस को जब पानी में घोलेंगे तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा और वो दो आयंस होंगे एक कैटायस होंगे और एक क्या होंगे एनाइंस then the second uh, physical uh, chemical jo theory hai wo hai law of mass action law of mass action kya hai ye weak electrolyte ke liye hum use karte hain aur weak electrolyte bahut important electrolyte hai abhi aap dekhenge common ion effect लिचेटरी uh, principle वहां पर weak electrolyte को लेके हम बताएंगे तो यहाँ देखिए law of mass action क्या कहता है कि ये a और b जब react कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं सी प्लस डी तो एक जो इक्विलिबिलियम कांस्टेंट होता है वो इक्विलिबिलियम कांस्टेंट कहां पर होता है जहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं वीक होते हैं तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का निशान है कि ये इक्विलिबिलियम का यहाँ पर साइन होगा तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ दी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ये प्रोडक्ट है सी एंड डी आर प्रोडक्ट्स इन दोनों के मल्टी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन अपॉन रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन इट विल बी एन अ कांस्टेंट और ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये 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 क्यों हुआ क्योंकि रिएक्शन रिएक्शन एक डायरेक्शन में नहीं हो रही थी. ये reaction क्या हो रही रही थी क्या है दोनों डायरेक्शन में हो रही है इक्विडिबिलियम का साइन है इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो के क्या होगा अधिक होगा अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी तो के क्या हो जाएगा कम कम हो जाएगा नेक्स्ट uh, जो इसमें हम यूज करेंगे जो प्रिंसिपल वो है ली चैटर प्रिंसिपल और वो आपने पढ़ा हुआ है एक एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये प्रिंसिपल क्या है कि अगर हम uh, कोई रिएक्शन इक्विलीबिलियम में ये हैबर प्रोसेस है जिससे हम क्या बना रहे हैं अमोनिया बना रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगेन ये इक्विलीबिलियम का साइन तो ये रिएक्शन क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी इसके लिए कौन अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स जो वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स क्या है जनरली यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं जैसे मैंने दो भी दिखाए हैं एक तो प्रेशर और एक टेम्परेचर ठीक है तो अब आप बताइए प्रेशर कहाँ पर ज्यादा होता है प्रेशर एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब देखिए यहाँ एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चार हैं कहा रिएक्टेंट में और जब आप प्रोडक्ट देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दो यानि चार मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से दो बन रहे हैं और अगर आपने प्रेशर के लिए कुछ आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं वहां पर प्रेशर क्या होता है हाई होता है यानी यहां प्रेशर हाई है और यहां प्रेशर लो है नंबर वन पॉइंट अब ली चैट्रियल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को चेंज करें तो रिएक्शन उस ओर होती है जिससे कि वो उस वेरिएबल को के प्रभाव को क्या कर सके कम कर सके फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर मैं प्रेशर बढ़ा दू इस रिएक्शन का अगर प्रेशर बढ़ाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी क्यों होगी प्रेशर बढ़ा रहे हैं और राइट साइड में प्रेशर क्या हो रहा है कम हो रहा है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है कम है तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होने की कोशिश करेगा कम होने की कोशिश किस डायरेक्शन में होगी जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे इसलिए रिएक्ट मोर अमोनिया बनेगी तो अमोनिया बनाने के लिए क्या करेंगे हैबर प्रोसेस में प्रेशर को बढ़ाएंगे अब अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो आप देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है हीट निकल रही है इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हीट निकल रही है हीट निकलने की वजह से क्या होगी यानी अगर हम इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ रही है सिस्टम की तो टेम्परेचर बढ़ाने से हीट क्या होनी है कम तो इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हीट बढ़ रही है तो जो जो रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एब्जॉर्ब होते जाएगी जितना टेंपरेचर बढ़ाएंगे एब्जॉर्ब होते जाएगी और वो टेंपरेचर को कम करेगी इसलिए अगर हम कोई हैबर प्रोसेस से अगर हम ये अमोनिया बना रहे हैं तो हाई प्रेशर रखना है और टेंपरेचर को कम रखना है ये हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल का यूज हम अभी करेंगे आपको लगा होगा कि हम कैसे यूज करेंगे अभी आप देखिए हम इनऑर्गेनिक मिक्सचर में इस लॉ का भी यूज करेंगे तो एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया एक देखिए जो इफेक्ट uh, है एक ये कॉमन आयन इफेक्ट जो यूज होगा ऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस में कॉमन आयन इफेक्ट क्या है अब देखिए कॉमन आयन नाम आ गया कॉमन आयन वो आयन जो कि कॉमन होगा किन के बीच में होगा अब ये देखिए ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ओके वीक बेस है तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है इट इज इन इक्विलीबिलियम विद इट्स आयन अपने आयन के साथ ये क्या है इक्वलीबिलियम में है देखिए इक्विलीबिलियम का साइन है और एक और देखिए दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एनएच फोर सी एल फोर सी क्या है सोल्ट है तो ये सोल्ट है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जितने सोल्ट होते हैं वो सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वो आसानी से क्या होते हैं आयनाइज देखिए आयनाइज है तो अब देखिए जब हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दें हमने NH4OH लिया उसमें NH4Cl मिला दिया इन दोनों में क्या समानता है इन दोनों में एक आयन है देखिए ये NH4+ फोर प्लस एंड दिस एनए ये दोनों कॉमन है इसीलिए कॉमन आयन इफेक्ट है तो ये शर्त है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन होना चाहिए ठीक है तो जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन कम होगा अगेन ली चैट्रिल प्रिंसिपल यूज होगा यहाँ पर देखिए कैसे ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका इक्वलीबिलियम कॉन्स्टेंट लिखा है देखिए मैंने ये, ये इन दोनों प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन अपॉन इसका ठीक है तो अब हमने इसमें NH4, हमने NH4 मिलाए हमने क्या किया NH4 एच फोर प्लस आयस बढ़ा दी तो कंसंट्रेशन इज द थर्ड फैक्टर जो कि ली चैटो प्रिंसिपल में यूज होता है अगर हम अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएं जो पहले से ही बढ़ी हुई है देखिए पहले से ही है और हमने और बढ़ा दी तो क्या कोशिश होगी कि इनका कंसंट्रेशन कम हो इनका कंसंट्रेशन कम कैसे होगा यह तो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी रिएक्शन तो एक डायरेक्शन में हो रही है लेकिन कहां पर हो सकता है यहां पर क्योंकि इसकी दोनों साइड डायरेक्शन में रिएक्शन पॉसिबल है इसलिए यह क्या करेगा इसका आयनाइजेशन कम हो जाएगा और ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगी यानी इसका आयनाइजेशन कम से कम होगा. क्या होगा एनएच फोर प्लस आय अधिक होने से ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिससे कि एनएच फोर प्लस का कंसेंट्रेशन कम हो इस डायरेक्शन में एनएच फोर प्लस बढ़ रहे हैं इसलिए ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में चले जाएगी और ये क्या हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा सो दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन कम हो जाएगा देखिए इस डायरेक्शन में आयनाइजेशन हो रहा है ठीक है अब एनएच फोर प्लस आयस को कम करना है तो ये डायरेक्शन वाली रिएक्शन कम हो गई रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में इसलिए इसका आयनाइजेशन क्या होगा कम होगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एनालिसिस then one another important aspect is solubility 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 product. Solubility product product तो temperature particular temperature पर solubility product होगा अगेन आप देख रहे हैं बार बार हम weak electrolytes की बात कर रहे हैं देखिये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लू तो यहाँ पर आ, क्या होगा कि ये अगर ये सीएस सॉल्यूशन में अधिक हो और इसका आयनाइजेशन कम हो यानी आयंस कम ठीक है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स तो अगर ये कांस्टेंट रहे यानी सॉलिड तो बहुत ज्यादा है वो घुल ही नहीं रहे जो हमारा सॉलिड है वो तो घुल ही नहीं पा रहा क्योंकि आयंस बहुत कम वो बहुत कम आयनाइज हो रहा है बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या कहेंगे अगर हम मान सकते हैं कि 100 ग्राम हमने सीएसओ लिया तो मान लीजिए केवल एक ग्राम सी सीओ थ्री ही डिसोसिएट हो रहा नाइनटी नाइन नाएं ग्राम रह गया तो नाइनटी नाइन नाएं ग्राम जो है वो हंड्रेड के बराबर माना जाएगा तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये सी ए सीओ थ्री कॉन्स्टेंट रहा नाइनटी नाइन नाएं हंड्रेड ही रहा तो ये के और ये मिलके एक अनेदर कॉन्स्टेंट हो गए तो ये जो दोनों मिलके मिलकर कॉन्स्टेंट गए उसको हमने कह दिया सोलिबिलिटी प्रोडक्ट तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इज दी प्रोडक्ट ऑफ आयंस के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट अगेन जब आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा तब क्या होगा अवक्षेपण अवक्षेप बनेगा प्रेसिपिटेट बनेगा प्रेसिपिटेशन होगा तो ये ज्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए तब क्या होगा प्रेसिपिटेशन होगा जो हम प्रेसिपिटेट बनाते हैं इनऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस में दे uh, uh, ये कुछ सॉलिबिलिटी रूल्स हैं कौन से कंपाउंड सॉलेबल होते हैं कौन से नहीं होते हैं चलिए इसको स्किप करती हूँ मैं क्योंकि ये इससे आपका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी आपके लिए अब ये देखिए मैंने आपको कुछ रेडिकल्स का क्लासिफिकेशन दिया है क्योंकि आप चाहे आप कहीं टीचिंग करते हो आप या खुद पढ़ना हो तो उसके लिए आपको ये जरूरी है जानना कि ये आपके में होने, कि आपको पता होने चाहिए कि कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है एंड अकॉर्डिंग टू दी ग्रुप रिएजेंट्स दि एसिडिक रेडिकल्स और दी uh, uh, अम्लीय जो मूलक है उनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया एक फर्स्ट ग्रुप जिसको हम कहते हैं डायल्यूट ग्रुप यहाँ पर जो ग्रुप रिएजेंट होता है समूह अभिकर्मक जिसे कहते हैं वो होता है डायल्यूट एच या डायलूट एच कोल्ड या हॉट दूसरा जो ग्रुप डिवाइड किया गया है वो है कंसेंट्रेटेड एच ग्रुप और तीसरा जो ग्रुप है वो स्पेशल ग्रुप है और यहाँ पर इसमें कोई स्पेसिफिक रिएजेंट नहीं है तो ये आपको याद होना चाहिए कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कार्बोनेट सल्फाइड सल्फाइट एसिटेट नाइट्राइड थायोसल्फेट इतने तो आपको याद होने चाहिए कि ये ऐसे रेडिकल्स है ये एसिडिक रेडिकल देखिए सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जब हम इनमें क्या मिलाएंगे एच या एच कैसा डायल्यूट मिलाएंगे तो कोई ना कोई गैस निकलेगी कोई ना कोई या तो गैस निकलेगी या फिर कुछ स्मेल आएगी उससे हम पहचान लेंगे कि ये किस तरीके का रेडिकल होगा फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट और सल्फाइट अगर प्रेजेंट होंगे ये बहुत जनरल रेडिकल्स हैं इन रेडिकल्स को आपको बिल्कुल हार्ट याद होना चाहिए कि अगर हम टाइलूट एच टू एसओ फोर या एच सी एल मिलाएंगे तो ये क्या होगा ये बुदबुदाहट बुदाहट के साथ गैस देंगे तो इसका मतलब कार्बोनेट या सल्फाइड हो सकते हैं ठीक है अब अगर होगा, तो क्या होगा सड़े अंडे की तेजी गंध आएगी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा जैसे अगर ये एसिटेट होगा तो क्या आएगी विनेगर की स्मेल आएगी नाइट्राइट होगा तो ब्राउन कलर की गैस निकलेगी अगर हम डाइल्यूट एस्टोसोफोड डालेंगे तो हम उसको स्मेल भी कर सकते हैं केवल के ये रेडिकल्स है अब देखिए नेक्स्ट ग्रुप देखिए क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड नाइट्रेट ऑक्सीड बोरेट फ्लोराइड अब कुछ इसमें रेडिकल भी है उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं पर अभी तो ये ऐसे रेडिकल्स हैं और कुछ देखिए यहां पर मैंने कॉम्प्लेक्स आयंस भी लिखे हैं फेरोसाइनाइड फेरी टार्ट्रेट सिट्रेट एक्चुअली जो एम फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो इन कॉम्प्लेक्स आयंस के साथ ही है ठीक है अब ये क्या करते हैं जैसे हम क्या करेंगे जैसे हम मिक्सर uh, में uh, मिलाएंगे uh, क्या मिलाएंगे कंसनट्रेटेड एज तो कोई ना कोई गैस निकलेगी गैस कलर्ड हो सकती है या लेकिन जब हम ये डालेंगे तो हम इसको स्मेल नहीं करेंगे क्योंकि हम वी हैव यूज्ड कंसंट्रेटेड तो रिएजेंट रिएजेंट का मतलब है कि उस को डालने से कुछ ना कुछ चेंज जिससे हमें अंदाजा आ जाएगा कि ये क्या है इस ये रेडिकल मे भी पॉसिबल फिर तीसरा ग्रुप देखिए इसमें सल्फेट और फॉस्पेटी आपको याद होना चाहिए ये दो ऐसे है जिनका स्पेसिफिक टेस्ट होता है सल्फेट का जो टेस्ट है बहुत ईजी है डायलूट एच सी एल और बी एस सी एल टू से व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है और फास्फेट का बहुत बढ़िया टेस्ट है कि टोटल तो से सेवन ग्रुप्स से हैं सिक्स ग्रुप्स प्लस वन जीरो ग्रुप और ये जो ग्रुपिंग की गई है दिस इज बेस्ड ऑन द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ये ग्रुपिंग सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के बेसिस पर की गई है और रिएजेंट uh, उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहां पर मैंने रेयर अर्थ एंड बेसिक रेडिकल दोनों को लिया हुआ है तो आप देख सकते हैं देखिए ग्रुप वन में आ, आपको बाई हार्ट याद होना है मर्क्यूरस आर दिस सिल्वर एंड दिस प्लम्बिक दिस लेड ठीक है तीन रेडिकल अब आपको याद होना है कि जो सेकंड ग्रुप नाइन रेडिकल्स हैं सेकंड ए में, में पांच और सेकंड बी में Uh, चार अब देखिए सेकंड ए में अगर आप देखेंगे सबके जो प्रेसिपिटेट है ब्लैक कलर के होते हैं एक्सेप्ट कैडमियम कैडमियम कैसा होता है येलो कलर का तो याद करने का तरीका है कि इन सब के यहाँ मर्क्यूरिक है और फर्स्ट ग्रुप में मर्क्यूरस है ये सब कैसे ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं जब हम एच की प्रेजेंस में एच पास करेंगे तो केवल सी है जो की येलो कलर का होता है बाकी यहाँ जो सेकेंड बी ग्रुप है ये क्या है ये कलर्ड प्रेसिपिटेट देते हैं अब देखिये यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगेन आप देखिए एच इनके ग्रुप रिएजेंट अलग अलग है सेकेंड ग्रुप में HCl H2S की uh, HCl की प्रेजेंस में H2S पास देखिए कॉमन आयन H+ एंड H+ H2S इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड HCl इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो जब हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करेंगे तो ये इसकी आयनाइजेशन को कम कर देगा क्या बन रहे हैं यहाँ पर सल्फाइड लेकिन सल्फाइड कम बनेंगे इतने कम बनेंगे कि केवल सेकंड ग्रुप की रेडिकल से ही प्रेसिपिटेट होंगे जबकि आप फोर्थ ग्रुप में देखिए फोर्थ ग्रुप का जो ग्रुप प्रियजेंट है वो है NH4Cl, NH4OH फोर सी एल फोर ओ एच एंड एच टू एस यहाँ पर कोई कॉमन आयन नहीं है यहाँ पर आप देखेंगे H2S का यूज किया हुआ है इन दोनों को छोड़ दीजिए आप ये देखेंगे NH4, OH की प्रेजेंस में H2S है तो कॉमन आयन नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा H2S का डिसोसिएशन बहुत हाई होगा बहुत सारे सल्फाइड बनेंगे और इतने सल्फाइड बनेंगे कि केवल फोर्थ ग्रुप के रेडिकल ही प्रेसिपिटेट होंगे इट डिपेंड्स अपॉन द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जैसे जैसे सल्फाइड आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा Uh, uh, क्या होगा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ेगा क्योंकि वो आयंस पर डिपेंड करता है तो क्या होगा फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स विल प्रेसिपिटेट ओके सो अब देखिए फर्स्ट ग्रुप में तीन रेडिकल सेकंड ग्रुप में नौ रेडिकल थर्ड ग्रुप में थ्री रेडिकल मेन है क्रोमियम देन फोर्थ ग्रुप में चार रेडिकल्स फिफ्थ ग्रुप में थ्री रेडिकल्स और यहाँ पर जो स्पेसिफिक इसका जो रिएजेंट है वो देखिए अमोनियम कार्बोनेट है इन प्रेजेंस ऑफ एन एच फोर ओ एच और सिक्स का कोई कॉमन रिएजेंट नहीं है यहाँ पर एनएच फोर ओ एच की प्रेजेंस में

तो देखिए थर्ड ग्रुप में क्या हो रहा है अगेन कॉमन नाइन तो क्या है ये जो थर्ड ग्रुप है मैं इंपॉर्टेंट चीज और बताऊं जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है सेकंड एंड फोर्थ ग्रुप एच टू एस पास कर रहे हैं तो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है थर्ड ग्रुप हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है फिफ्थ ग्रुप कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है

कुछ अलग होते हैं ठीक है अब जब हम बेसिक रेडिकल को करते हैं तो हमें क्या करना होता है? क्रम से जाना होता है बी एस सी टू के बाद आपने थ्री किया एमएससी में नहीं आए सीधे ऐसे ही क्या होगा जब हम बेसिक रेडिकल करेंगे तो हम पहले ग्रुप वन करेंगे ग्रुप वन के बाद ही हम टू में जाएंगे थ्री में नहीं जाएंगे ग्रुप वन से सिक्स में नहीं जाएंगे हम सबसे पहले ग्रुप वन करेंगे इसको हटा लेंगे पहले पहले हम इसको पास करेंगे उसके बाद ये जब पास हो जाएगा कि ये है या नहीं है फिर हम सेकंड में जाएंगे फिर हम थर्ड में तो जैसे हम अपनी क्लासेस पास करते हैं इसी तरीके से बेसिक रेडिकल्स को भी हम ऐसे यहां से कूद के यहाँ नहीं जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे सीरियली हम इनको बेसिक रेडिकल्स को करते हैं Uh, हम मैं आपको फिर बता रही हूँ कि सिस्टमैटिक सकते इन ऑर्गेनिक मिक्सचर की तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हमें क्या करना चाहिए हमें एसिडिक रेडिकल्स को कल लेना चाहिए सबसे पहले जो यहाँ पर आपको जो सी फर्स्ट ईयर में होते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं जैसे डाइक्रोमेट है परमैग्नेट है क्रोमेट है ये आयंस या टार्ट्रेट है सिट्रेट है ये होते हैं ठीक है थीके? फिर इसके बाद जब हम एसिडिक कर लें फिर हम क्या करें बेसिक रेडिकल बेसिक रेडिकल के लिए हमें क्या करना होगा देखिए ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना होगा ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे डिफरेंट सॉल्वेंट्स uh, टेस्ट करेंगे और फाइनली जब ओरिजिनल सॉल्यूशन बन जाएगा फिर हम ग्रुप वाइज उस प्रैक्टिकल को करेंगे ठीक है और उस हर एक ग्रुप के रेडिकल का फिर हम क्या करेंगे टेस्ट करेंगे तो इस तरीके से हम सीरियली आएंगे अब क्योंकि बीएससी एस वन है इसलिए सॉरी एमएससी है आपका तो एमएससी में क्या होगा कि एक और पार्ट होता है वो होता है इंसोल्युबल पार्ट आप ये कैसे करना है देखिए जो इंसॉलिबल पार्ट है जब मैंने आपसे कहा कि इनऑर्गेनिक मिक्सचर हमने लिया ठीक है इनऑर्गेनिक मिक्सचर को हमने किस में मिलाया कोल्ड वाटर में जब हमने कोल्ड वाटर में मिलाया अगर वो कोल्ड वाटर में डिजोल्व हो गया ठीक है तो वो ओरिजिनल सॉल्यूशन कहलाएगा लेकिन अगर वो डिजोल्व नहीं हुआ तो हमें क्या करना है उस मिक्सचर को गर्म करना है पानी के साथ अगर वो गर्म पानी में डिजोल्व हो जाए तो फिर वो ओरिजिनल सॉल्यूशन है अगर वो डिजोल्व ना हो तो वो उसको हम किस में घोलेंगे डायल्यूट एक्सीएल में अगर वो डायलूट एल में डिजोल्व हो गया तो ओरिजिनल सॉल्यूशन है अगर वो नहीं हुआ तो फिर वो उसको कंसंट्रेटेड एच में डिसॉल्व करना है ठीक है अगर वो डिसॉल्व हो गया देन इट इज ओरिजिनल सॉल्यूशन अगर नहीं हुआ तो फिर वो एक्वारेजिया में डिसॉल्व करना होगा एक्वारेजिया क्या है वन पार्ट पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड एंड थ्री तो ये जो है एक्वारेजिया है और एक्वारेजिया में अगर वो डिसॉल्व अब ये फाइनल स्टेप है एक्वारेजिया में हम बॉइल करेंगे फिल्टर करेंगे जो जो छन के आ गया फ़िल्ट्रेट है वो ओरिजिनल सॉल्यूशन है और उस ओरिजिनल सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे देखिए उससे हम बेसिक रेडिक कल के टेस्ट करेंगे तो इतना लंबा प्रोसीजर होता है कई बार एमएससी लेवल में कि ओरिजिनल सॉल्यूशन हमें इतनी लेवल से लाना होता है और फिर टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स हम कर सकते हैं उससे और जो हमारे पास क्या आया जो हमारे पास घुला हुआ नहीं है जो रेसिड्यू आता है वो क्या है इनसॉल्युबल पार्ट है उससे हम इनसॉल्युबल के टेस्ट करते हैं क्योंकि एमएससी में एमएससी में क्या होगा कि हमें Uh, वो नहीं मिलेगा हमें इन्सोलिबल नहीं मिलेगा जैसे बीएससी में मिलता था बीएससी में हमें सोलबल सॉल्ट मिलते थे लेकिन एमएससी में हमें क्या मिलते हैं इनसोलिबल अब इन्सोलिबल में देखिए ये मैंने आपको बताया जैसे ये हमने इसमें मिक्सर है ठीक है ये मिक्सर है इस मिक्सर को हमने सुटेबल सॉल्वेंट में इसको हमने डिजोल्व किया सुटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व करने के बाद हमने इसको फिल्टर किया फिल्टर करने के बाद आप देखिए ये ये क्लियर सॉल्यूशन है ये कलर्ड हो सकता है क्योंकि इसमें कलर्ड आयन हैं ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है और जो बच गया देखिए ये क्या बच गया देखिए रेजिड्यू बच गया तो ये रेजिड्यू क्या है इनसॉल्युबल अब ये एमएससी के लिए है स्पेशली कि इनसॉल्युबल क्या क्या हो सकते हैं ये देखिए ये इनसॉल्युबल है जैसे सिल्वर क्लोराइड बेरियम सल्फेट स्टोन। ये कलर से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं ये इनसॉलिबल हैं जो हमें दिए जाते हैं और ये घुलेंगे नहीं एक्वारेजिया में भी नहीं घुलेगा तो इसका मतलब जो फाइनली हमें टेस्ट इनसोलिबल का करना होता है वो इनमें से कोई हमें मिल सकता है जो एक्वारेजिया में नहीं घुलेंगे वो कहलाएंगे लाएंगे इंसॉलिबल रेजिड्यूज तो इसका मतलब जब हम एमएससी फर्स्ट ईयर में जब हम मिक्सचर करेंगे तो हमें क्या मिलता है देखिए कॉम्प्लेक्स आयंस मिलते हैं इस तरीके के बेसिक रेडिकल्स मिल सकते हैं सिंपल इनसोलिबल मिल सकते हैं और एक रेयर अर्थ मिलता है इसमें मैं आपको देखिए दो टेस्ट करके बता रही हूँ डाइक्रोमेट एंड बेरियम सल्फेट को हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं अब देखिए डाइक्रोमेट हमारे पास अगर होगा ये डाइक्रोमेट हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमने कोई क्लोराइड सोल्ट मिलाया क्लोराइड सोल्ट कितना होगा ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये थ्री पार्ट होगा और जो क्लोराइड होगा वो क्या होगा वन पार्ट होगा अब इसमें हमने क्या मिलाया कंसंट्रेटेड H2SO4 ठीक है कंसनट्रेटेड फ़ोर मिलाया और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया डाइल्यूट एन एच अब इस इस सॉल्यूशन को हमने हीट किया जिसमें हमने कंसनट्रेटेड फ़ोर मिलाया था हीट करने के बाद क्या होगा ये देखिए रेड कलर की गैस इवॉल्व होगी और ये गैस क्या है क्रोमाइल क्लोराइड इस गैस को कहा पास करना है इस एनएच सोल्यूशन में और ये एनएच सोल्यूशन कैसा हो जाएगा लाइट येलो और लाइट येलो जब ये हो जाएगा तो हम इसमें क्या मिलाएंगे एसिटिक एसिड फिर इसमें जब एसिटिक एसिड मिलाएंगे और इसमें हम क्या मिलाएंगे लेड एसिटेड तो क्या मिलेगा हमें दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर के टू सीआर टू सेवन एज वेल एज क्लोराइड ये क्लोराइड का भी कंफर्मेटरी टेस्ट है या तो हमें क्लोराइड का टेस्ट करना हो तो हम के टू सीआर टू सेवन मिलाएंगे और जब हमें केटो से आटो का टेस्ट करना है तो हम इसमें क्लोराइड सॉल्ट मिलाएंगे बहुत अच्छा टेस्ट है ये या आपको याद होना चाहिए बाई हार्ट कि ये क्लोराइड का टेस्ट भी है और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी टेस्ट है नेक्स्ट मैं आपको एक इंसॉलिबल का टेस्ट करके दिखा रही हूँ ये मैंने बेरियम सल्फेट का टेस्ट दिखाया है कि जब हमने एक्वारेजियम में डिजोल्व किया उसके बाद क्या हुआ रेजिड्यू हमें मिला उस रेजिड्यू को हमने कहा लिया देखिए ये रेजिड्यू एक्चुअल मिक्सचर नहीं है दिस इज रेजिड्यू Uh, ये हमने पोर्सिलेन की डिश में ले लिया इसमें हमने क्या मिलाया वन पार्ट रेजिड्यू और थ्री पार्ट एन इसमें हमने डिस्ट पानी मिलाया डिस्टिल वाटर देन इसको हीट किया ये क्या बनेगा देखिए सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ये क्या बन गया हमने इसको छान दिया तो ये क्या बन गया सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट इस सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और इसमें हमने क्या मिलाया डायल्यूट एच और इसके बाद हमने इसमें क्या मिलाया बेरियम क्लोराइड तो हमें क्या मिलेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर मिलता है क्योंकि ये अगर मान लीजिए बेरियम सल्फेट है तो सल्फेट ने सोडियम से रिएक्ट किया तो सोडियम सल्फेट यहाँ आया सोडियम सल्फेट में हमने HCl मिलाया BaCl2 मिलाया तो BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया इसका मतलब कि ये बेरियम क्या है कन्फर्म्ड है यहां हम इस रेसिड्यू को डायरेक्ट लेके इसको फ्लेम टेस्ट भी कर सकते हैं वो तो ग्रीन फ्लेम से अगर जलेगा तो उसमें बेरियम है नेक्स्ट टेस्ट क्या हम करेंगे देखिए हमने इसमें क्या लिया सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ले लिया इसमें हमने ये एसिटिक एसिड मिलाया देन वी हैव एडेड पोटेशियम क्रोमेट देन वी हैव ऑब्टेन द येलो प्रेसिपिटेट फिर हमें क्या मिला येलो प्रेसिपिटेट मिला इसका मतलब ये बेरियम सल्फेट कन्फर्म्ड है तो जो इंसॉलेबल पार्ट होता है उसका हम आ, बुक्स में है कीमती लाल की भी एक एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है जिसमें कंप्लीट एमएससी लेवल के प्रैक्टिकल्स हैं इनऑर्गेनिक से रिलेटेड और एक आ, बुक ये मेन यही बुक हम लोग यूज करते हैं और वोगल की बुक है उस, तो आप लोग इजी वे में जो कीमती हो सकता है आपकी यू यू की भी बुक्स तो हों तो ये इन का टेस्ट है अब हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस वैसे अभी मैं और आपको दिखा रही हूँ चार तरीके का जो अब, अब हम आए नेक्स्ट क्वान्टिटेटिव एनालिसिस में क्वालिटेटिव फिनिश ना क्वान्टिटेटिव एनालिसिस गुणा इसमें हम क्या करते हैं मात्रात्मक विश्लेषण मात्रा का विश्लेषण करना है ये मेन चार तरीके का है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स एंड इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन क्या होता है इसमें हम एक्चुअली जो हमारे पास कंपाउंड है उसको हम क्या करते हैं प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में लाते हैं और मेन आप इसमें याद रखिए वेट हमें क्या लेना है वेट लेना है वेट इज द फाइनल मेजरमेंट ठीक है ग्रेव्यूमेट्रिक एस्टिमेशन के कुछ स्टेप्स है प्रेसिपिटेशन डाइजेशन फिल्ट्रेशन वॉशिंग इंसुरनेशन वेइंग ये कुछ इंपॉर्टेंट uh, है इसलिए दो टर्मिन कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको और बता रही हूँ इसकी रिलेटेड जब हम प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे यानी प्रेसिपिटेशन अवक्षेप का बनना तो यहाँ पर क्या होता है एक टर्मिनोलॉजी आती को प्रेसिपिटेशन जब कई बार क्या होता है कि इंप्यूरिटी प्रेजेंट होती है हमारे मिक्सचर में तो वो इंप्योरिटी फॉर एग्जांपल जैसे हम टेस्ट तो करना चाह रहे थे आयरन का

जो हमें वेट चाहिए था उससे वेट बढ़ गया तो ये एक को प्रेसिपिटेशन क्या करता है नुकसान दे रहा है देखिए जो प्रेसिपिटेट का वेट आना चाहिए वो एक्चुअल में नहीं आ रहा है क्योंकि उसके साथ कोई दूसरा भी इम्प्योरिटी है जो प्रेसिपिटेट हो गई है या फिर कई बार क्या होता है आपने बेरियम क्लोराइड का बेरियम का एस्टिमेशन किया होगा बी एस सी सेकंड में तो क्या होता है कई बार जो बेरियम क्लोराइड हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है उसमें जो क्लोराइड होते हैं वो बेरियम सल्फेट के साथ आ जाते हैं तो ये क्या करेंगे इसका वेट बढ़ा देंगे इसके इसके जो प्रेसिपिटेट होगा उसके साथ ये जुड़ जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम आपने देखा होगा हम वॉशिंग करते हैं बहुत वॉशिंग करते हैं तो वॉशिंग मतलब जितना क्लोराइड है वो क्या हो जाए रिमूव हो जाए तो एक तो को प्रेसिपिटेशन को नहीं होना चाहिए ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन में क्योंकि हमारे रिजल्ट को खराब कर देगा है. तो इसलिए इसको रोकने के लिए दूसरा अभी आप पॉइंट देखेंगे वो होता है डाइजेशन की प्रोसेस जो हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी कैसे करेंगे एक और जो दिक्कत आएगी प्रेसिपिटेशन में वो कई बार आती है पोस्ट

इसको कहते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन जो कि प्रेसिपिटेट के बनने के बाद एक प्रेसिपिटेट बनेगा उसमें प्रेजेंट इंप्यूरिटी के बाद ये पोस्ट प्रेसिपिटेशन जितना देर हम लगाएंगे छानने में उतना ज्यादा ये होगा इसलिए हमें क्या करना चाहिए जैसे प्रेसिपिटेट बना उसे हम छान लें तो इसको रोकने के लिए हम ये कर सकते हैं ठीक है थीके? अब मैं आपको ग्रेविमेट्रिक एस, एस्टिमेशन के स्टेप्स दिखा रही हूँ कि, कि किस तरीके से हम ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन करते हैं Uh, सबसे पहला जो स्टेप मैंने आपसे कहा प्रेसिपिटेशन तो ये देखिए ये एक सॉल्यूशन है जिसमें हमें हमने एक रिएजेंट मिलाया है और ये रिएजेंट क्या कर रहा है

अब इसके बाद क्या प्रोसेस करते हैं हम फिल्ट्रेशन जब हम डाइजेशन कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो करेंगे वो देखिए दो तरीके से हो सकता है ये आपने किया हुआ है बीएससी लेवल में जहां पर आप क्या यूज करते थे अः आप सिलिका क्रूसिबल का यूज करते थे जो अब एमएससी में हम करते हैं यहाँ पर सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल का यूज करते हैं ये सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल जो है वो हम वैक्यूम पंप के थ्रू उसको फिल्टर करते हैं तो ये दो तरीके से हम कर सकते हैं भुकनर फनल भी यूज करते हैं कई बार तो एमएससी लेवल में जो हम यूज करते हैं वो है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल तो ये हम करते हैं इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो वॉशिंग का आता है बहुत जरूरी स्टेप है क्योंकि को प्रेसिपिटेशन में आपने देखा कुछ सॉलिबल इंपुरटीज भी आ जाती हैं इसलिए हम उसकी क्या करते हैं वॉशिंग जो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट आया है उसकी वॉशिंग करते हैं वॉशिंग के बाद जो स्टेप है दैट इज ड्राइंग ड्राइंग का स्टेप है चाहे हम सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल क्योंकि एमएससी लेवल में जो हम करते हैं उसको हम कहा ड्राई करते हैं अवन के अंदर और जो हम सिलिका क्रूसिबल को यूज करते हैं उसको हम आपने कहाँ पर यूज किया होगा वो तो आपने जलाया होगा बर्नर के ऊपर तो, तो कोई भी प्रोसेस से ड्राइंग हो सकती है यहाँ पर जो प्रोसेस हम यूज करते हैं एमएससी में वो अवन में ड्राइंग होती है ड्राइंग के बाद क्या है लास्ट जो ऑप्शन है जब ड्राई हो जाएगा फिर क्या करेंगे वेइंग फिर हम उस प्रेसिपिटेट की वेइंग कर देंगे और ये वेट लेने का मतलब ही क्या है

डिस्कस कर रही हूँ टाइट्रेशन टाइट्रेशन जिसे अनुमापन भी कहते हैं और इसमें दो मेन सॉल्यूशन का जो नाम आएगा वो एक अनोन सॉल्यूशन का हम स्ट्रेंथ पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन यूजिंग इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इसमें देखिए दो टर्म है एक है टाइट्रेंट टाइट्रेंट्स मींस देखिए जिसका कंसंट्रेशन नोन है जिसको हम यूज करने वाले हैं अननोन की कंसंट्रेशन पता करने के लिए और एक है टाइटलैंड और एनालाइट जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता करनी है ये जो नोन सॉल्यूशन है इसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी है नोन नॉन मानक विलियन जिसका हमें कंसंट्रेशन पता होगा आप देखिए टाइट्रेशन कितने तरीके का होता है टाइट्रेशन कई तरीके का होता है एसिड बेस ये आप लोगों ने किया हुआ है इंटर में बीएससी में जहां पर एसिड टाइट्रेंट होगा एक टाइट्रेंट होगा एक होगा तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो एसिड बेस की रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी इसलिए इसका नाम एसिड बेस टाइट्रेशन है यहाँ पर जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो है फिनोक्लिन एंड मिथाइल ऑरेंज दूसरे तरीके के जो टाइट्रेशन है वो देखिए जो रिएक्शन हो रही है उनके अकॉर्डिंग इनका नाम है दूसरे तरीके के जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन भी ने कहते हैं यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो जनरली जो यहाँ पर जो इंडिकेटर uh, यूज होता है वो पोटेशियम फेरी यूज होता है फिर प्रेसिप क्स uh, uh, बनाता है कॉपर और मैग्नीशियम तो वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन है तो हमें लगता है कि टाइट्रेशन किसी काम का नहीं है बट ये बहुत काम का है ये आप पूछिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से कि वो वाटर में हार्डनेस कैसे निकालते हैं वो टाइट्रेशन के थ्रू करते हैं ठीक है बाकी रिसर्च में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये मेथड्स हैं देन दो इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन देखिए आइडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री आयोडीमिट्री मीन्स जहां पर आयोडीन यूज करेंगे और आयोडोमेट्री जहां पर के आई के हेल्प से या आयोडाइड की हेल्प से हम क्या बनाएंगे आयोडीन लिबरेट होगी और वो लिबरेट हेल्पफुल होगी ये आयडोमेट्री एक्चुअल में ये वाला टाइटेशन मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्योंकि ये एमएससी लेवल का टाइटेशन है बाकी आप कुछ टाइट्रेशंस पहले कर चुके हैं तो आयडोमेट्री में हम कॉपर सल्फेट का टाइट्रेशन करके देखेंगे कि किस तरीके से हम टाइट्रेशन कर सकते हैं फिर देखिए इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स क्या है एक्चुअली दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इंडिकेट्स द ऑफ रिएक्शन रिएक्शन ये reaction के जो जो टाइट्रेशन है उसके कंप्लीशन को बताते हैं और अपना कलर चेंज करते हैं ठीक है तो ये हम इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं एक तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन में जो यूज होगा वो एसिड बेस इंडिकेटर है जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में यूज होगा वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर है जो प्रेसिपिटेशन में यूज होगा वो प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर है जो रेडॉक्स टाइट्रेशन uh, जो करो रिडॉक्स इंडिकेटर दूसरा जो मेथड अप्लाई कैसे कर रहे हैं जैसे इंटरनल इंडिकेटर आपने एसिड बेस टाइट्रेशन किया होगा और वहां पर आपने सॉल्यूशन के अंदर कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपने मिलाया होगा तो वो इंटरनल इंडिकेटर था एक्सटर्नल इंडिकेटर आपने रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज किया होगा टाइल के ऊपर आपने क्या लगाया होगा पोटेशियम फेरिसाइनाइड के ड्रॉप तो वो फ्लास्क के बाहर था इसलिए वो एक्सटर्नल इंडिकेटर था और कई बार सेल्फ इंडिकेटर्स होते हैं जैसे केमेनोफोर यूज होता है वो सेल्फ इंडिकेटर वो एक सॉल्यूशन भी होता है और एक इंडिकेटर भी होता है तो वो सेल्फ इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं फिर स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस जिन्हें हम नॉन सोल्यूशन भी कहते हैं जिनकी कंसेंट्रेशन हमें पता होती है ये दो तरीके के होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी जो होंगे स्टेबल होंगे नॉन हाइम्रोमेट है ठीक है दूसरे तरीके के जो होंगे वो होंगे सेकेंडरी सेकेंडरी जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं इम्प्योर होते हैं अब देखिए आपने अपने घर में चीनी देखी होगी कंट्रोल से चीनी लाइए बरसात में नमक देखिए गीला हो जाता है बिकॉज दे आर हाइग्रोस्कोपिक नेचर तो अगर आप जो नमक है अगर गीला है चीनी गीली है तो क्या उसको आप अगर मैं आपसे कहूँ पांच ग्राम तोलिए तो क्या आप उसको तोल पाएंगे नहीं तोल पाएंगे क्योंकि उसको तो पानी उस, उसने उसको किसने एब्जॉर्ब उसमें पानी एब्जॉर्ब हो गया है तो उसका वेट क्या होगा बढ़ जाएगा तो इसलिए इस तरीके के सब्सटेंस को अब केमिकली अगर हम देखें तो एनी है ठीक है और सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या है दे आर सेकेंडरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस और ये क्या होते हैं हाइग्रोस्कोपिक एन को आपने देखा होगा ये पानी को एब्सॉर्व करता है तो इसको हम अगर मैं कहूँ कि मुझे एन बाई टेन एन एच बनाना है तो मैं नहीं बना सकती अगर मुझे एन बाई टेन एक्सैलिक एसिड बनाना होगा जो सूखा है उसको मैं आसानी से तोल सकती हूँ एग्जैक्टली ठीक है इसको हम बनाना देखेंगे कैसे बनाते हैं देन नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन इसको हम कहते हैं मानकीकरण देखिए ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस इसको एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हम नहीं बना सकते क्यों क्योंकि ये पानी एब्जॉर्ब करता है उसके लिए हमें क्या करना होगा हमने अगर n/10 बनाया है तो हमें पता करना होगा कि ये n/10 बना है या नहीं इस और उसको n/10 बनाना होगा तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन और मानकीकरण अब देखिए कैसे हम करते हैं इसको जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है एन बाई फोर्टी एनओ एच ठीक है एन बाई फोर्टी एनओ एच बनाने के लिए मुझे डब्लू कितना लेना होगा ई एन वी अपॉन वन थाउजेंड मतलब e weight, N normalty, v ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे इन टर्म्स को तो मुझे लगभग पॉइंट टू फाइव ग्राम तोड़ है अगर मुझे टू फिफ्टी एम एल सोल्यूशन बनाना है तो तो क्या वो एग्जेक्टली exactly बनेगा नहीं बनेगा क्योंकि ये कैसा है हाइग्रोस्कोपिक तो मैं क्या करूंगी मैं एन बाई फोर्टी ऑक्सलिक एसिड बना लूंगी ऑक्सेलिक एसिड मुझे इतना तोलना होगा क्योंकि एग्जैक्ट जाएगा तो मैंने ये बनाया और क्या किया इसका एक सॉल्यूशन बना लिया और फिर क्या किया टाइट्रेशन किया तो देखिए हम जानते हैं देखिए एसिड एसिड है ये oxalic acid, oxalic acid की नॉर्मलिटी एक्सैक्टली exactly मुझे पता है एन बाई फोर्टी है मैं कितना एम ले रही हूँ मैं टेन एम ले रही हूँ तो ये भी मुझे पता है कितना वॉल्यूम एन का यूज हो रहा टाइट्रेशन में ये भी मुझे पता है तो मुझे क्या पता चल जाएगा एन पता चल जाएगी ये देखिए

पिंक कलर का हो जाएगा मतलब रिएक्शन पूरी हो गई तो मैं यहां से वॉल्यूम मेजर करूंगी और यहां पर रख दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा n2 अब देखिए मुझे n2 पता चल गया मान लीजिए मेरा जो n2 आया वो n/35 आया n/40 नहीं आया देखिए क्योंकि वो n/40 बन नहीं सकता था तो वो कितना आ गया n/35 अब मुझे तो चाहिए था n/40 मेरा बना है n/35 तो मैं क्या करूंगी मैं देखिए बना भी सकती हूँ इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन मैं क्या करूंगी कि ये एन बाई थर्टी वाला एन वन वी वन है ये एन बाई फोर्टी वाला एन टू वी टू है ठीक है तो मैं देखूंगी कि मैं अगर मुझे फोर्टी वाला कितना चाहिए टू फिफ्टी एम एल तो मैं टू फिफ्टी एम एल एन बाई फोर्टी मुझे चाहिए तो मैं एन बाई थर्टी फाइव का कितना एम एल लू

थोड़ा सा केआई ऐड किया केआई ऐड करेंगे तो ये हमें क्या मिलता है डार्क ब्राउन कलर का सॉल्यूशन मिलता है इस डार्क ब्राउन के सॉल्यूशन में हम क्या मिलाएंगे हाइपो ड्रॉप वाइज हाइपो मिलाएंगे तो तब तक मिलाएंगे जब तक ये लाइट येलो ना हो जाए जैसे ये लाइट येलो होगा इसमें हम क्या डालेंगे स्टार्च सॉल्यूशन स्टार्च सॉल्यूशन डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा ब्लू जब ब्लू हो जाएगा तो फिर अगेन हम इसमें ये जो ये जो हाइपो पहले से ही जो हमारे पास हम पॉइंट तो पर क्या होगा ये ब्लू कलर कलरलेस हो जाएगा सो दिस इज द एंड पॉइंट सो ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है जहां पर हमने देखिए क्लोराइड जैसे आयोडाइड का सॉल्ट यूज किया ये आयोडाइड क्या करता है आयोडीन लिबरेट करता है वो आयोडीन को कौन ट्रैप करता है स्टार्च स्टार्च बन जाएगा और ये स्टार्च ब्लू कलर का होता है और धीरे धीरे जब हम आयोडिन से जब हाइपो से कलरलेस तो होगा कलरलेस सोल्यूशन सो दिस इज वॉल्यूमेट्रिक मेथड तो हम क्या मेजर कर रहे हैं देखिए वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं तो ये ऐसा टाइट्रेशन है वॉल्यूमेट्रिक टाइटेशन आर वॉल्यूमेट्रिक एक्सरसाइजेस ऑफ एनालिसिस अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ और हैं देखिए इक्विवेलेंस पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर दो जो हमने एक टाइट्रेंट लिया है एक टाइट्रेंट लिया है वो दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे जो बेस के मोल है वो एसिड के मोल के बराबर हो जाएंगे अब देखिए ये देखिए ये मैंने ऑक्सैलिक एसिड लिया था इसमें मैंने क्या डाला सॉरी uh, जब मैंने equivalence point पर क्या हुआ देखिए, देखिए ये ये इसके equal mole और इसके और के equal mole react कर गए, लेकिन solution. Reaction हो चुकी है, ये कैसा है colorless. तो equivalence point वो point है कैसा तो वो जहां पर रिएक्शन हो जाएगी लेकिन हमें पता नहीं चलेगा रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि दोनों के मोल बराबर हो गए हमें कैसे पता चलेगा हमें तो पता नहीं चला सो दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट लेकिन एंड पॉइंट क्या होता है एंड पॉइंट पर क्या होता है इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है क्योंकि तो कोई एक जो जो सब्सटेंस है उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी देखिए ये कलर कलर चेंज चेंज हो गया सो दिस एंड पॉइंट रिएक्शन इससे पहले हो गई थी जिस समय एसिड और बेस बराबर हो गए थे लेकिन जब हमने बेस की एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डाली तो वो बेसिक हो गया मीडियम मीडियम बेसिक हो गया तो उससे पहले रिएक्शन हो चुकी थी तो जब रिएक्शन हो गई थी ट वॉज द इक्विलेंस पॉइंट जब हमें पता नहीं चल पा रहा था लेकिन एक ड्रॉप जब हमने बेस की एक्स्ट्रा डाली तो ये हमें पता चल गया इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज किया क्योंकि बेसिक मीडियम है वो कैसा हो जाता है पिंक okay, हो जाता है तो so, ये क्या है एंड पॉइंट पॉइंट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि इक्विलेंस इक्विलेंस क्या है पॉइंट रिएक्शन कंप्लीट लेकिन हमें पता नहीं चल पाया और एंड पॉइंट का मतलब है कि हमें पता चला क्योंकि एक ड्रॉप बेस की एक्स्ट्रा आ गई या किसी और रिएजेंट की तो जिस जिसको इंडिकेटर ने इंडिकेट कर दिया भाई तुम्हारी रिएक्शन तो पूरी हो चुकी थी पहले ही ठीक है तो ये एंड पॉइंट है

तो इसका मतलब वो एक नॉर्मल सॉल्यूशन है। अगर मैं दो ग्राम इक्विवेलेंट एक हजार सॉल्यूशन लू तो वो टू नॉर्मल सॉल्यूशन है तो मैं अब क्या करूं जो इक्विवेलेंट वेट है अगर मुझे टेन बाई टेन बनाना है तो फिर मैं टेन से डिवाइड कर दू तो बहुत इजी है यानी एक ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा उतना किसी भी का equivalent weight है 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 ले लीजिए और एक लीटर बना दीजिए बन जाएगा ठीक अब आपको N by 10 बनाना है, तो उसको से डिवाइड कर दीजिए आपको N by 40 बनाना है 40 से कर दीजिए तो बहुत ईजी है इसको याद करना एंड वट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी देखिए मोलैरिटी डिनोट करते हैं अब ऑक्सोलिक एसिड का जो मोलिकुलर वेट है वो वन ग्राम है molarity चलिए हम पढ़ रहे थे मोलैरिटी तो अगर आप मोलैरिटी को देखेंगे तो मोलैरिटी वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज है, है? 126 तो अगर मैं वन ग्राम कंपाउंड लू ऑक्लिक एसिड और उसको एक लीटर सोल्यूशन में घोल दू तो क्या बन जाएगा एक मोलर सोल्यूशन देखिए मोलर और नॉर्मल में एक बार मैं अंतर और बता रही हूँ आपको अगर मुझे एक नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड बनाना है तो मैं कितना ले लू उसके इक्विलेंट वेट के बराबर अगर एक लीटर सॉल्यूशन में बना लू सॉल्यूशन तो वो एक नॉर्मल है अगर मैं उसके मोलिकुलर वेट के बराबर ले लू यानी एक मोल हो जाएगा अगर 126 ग्राम लूंगी तो एक मोल होगा तो वो अगर मैं एक लीटर सॉल्यूशन में लू तो वो क्या हो जाएगा एक मोल सॉल्यूशन हो जाएगा तो वो एक मोलर सॉल्यूशन होगा ओके देन मोलैलिटी मोलैलिटी क्या होती है एम में होती है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट यहां पर अंतर यह है कि मोल्स इन वन किलोग्राम ऑफ

316 सो ग्राम केमनोफोर से हमें कितना ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है 80 ग्राम तो एक्चुअल में जो होता है तीन सौ सोलह ग्राम केएमिनो फोर से तो 8 ग्राम कितने से मिलेगी और वो वेट होगा 3.16 ग्राम तो इसका मतलब है कि 3.16 ग्राम इज द इक्विलेंट वेट ऑफ के एमोफोर इन एच टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कितना ऑक्सीजन ऑक्सीजन आठ जितना का वेट रिप्लेस करेगा वो उसका क्या होगा इक्विलेंट वेट होगा ऐसे ही हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विलेंट वेट निकाल सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग एजेंट कितने ऑक्सीजन के साथ मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अगर वो क्या कर रहा है रिएक्ट uh, कर रहा है तो यहाँ देखिए 392 2 16 ग्राम के साथ कर रहा है तो 8 ग्राम के साथ कितना करेगा 392 सो 392 और 392 ग्राम विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट तो ये डिपेंड करेगा कि 8 ग्राम बनाना या 8 ग्राम को जोड़ना तो वो वेट क्या कहलाएगा इक्विवेलेंट वेट अब देखिए थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रो एक बस थोड़ा जनरल देना चाहूंगी कि जो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एक प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड और वहां पर हम क्या क्या मेजर करते हैं वोल्टेज करेंट रजिस्टेंस क्वान्टिटी इलेक्ट्रिकल चार्ज ये हम उसमें मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आपको अभी ओम प्रकाश सर ने पढ़ाया नीता मैम ने पढ़ाए तो यहाँ मैंने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ाया था तो ये इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम पढ़ते हैं ये हम इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करते हैं तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स और अनेदर मेथड्स जो कि हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में यूज करते हैं फिर मिसलेनियस मेथड्स हैं कुछ ऐसे जैसे मास uh, स्पेक्ट्रोमेट्री है रेडियो एक्टिव डीके है हीट ऑफ रिएक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन है थर्मल कंडक्टिविटी ऑप्टिकल एक्टिविटी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये अदर मेथड्स हैं जो कि क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए यूज किए जाते हैं अब मैं आपको एक हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट देखिए टॉपिक बताना चाह रही हूँ मेजरमेंट्स मेजरमेंट्स हम कहते जरूर हैं लेकिन इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है क्वांटिटी नंबर एंड यूनिट दोनों चीजें होती हैं उसमें नंबर नहीं है ये दो चीजें हैं 2.5 ग्राम जब दोनों को मिला देंगे तो हम कहेंगे कि एक मेजरमेंट है मेजरमेंट हम करते हैं हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट किसी एपरेटस की हेल्प से करेंगे जैसे हमने कहा 2.0 पॉइंट mm, जीरो ठीक है तो मेजरमेंट्स क्या है फंडामेंटल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल साइंस अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बिना यूनिट के हम कोई भी रिजल्ट नहीं लिखेंगे तो वो बिना उसके एक्सपेरिमेंटल साइंस है ही नहीं ठीक है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजरमेंट मेरा करेक्ट है कि नहीं है ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जानना ये हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे वो किसी भी क्लास का हो कि मेरा जो मेजरमेंट है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है क्या मैं सर्टेन हूं कि मेरा रिजल्ट एकदम सही है मेरा मेजरमेंट एकदम सही है नहीं है इसको जानने के लिए तीन टर्म हम और पढ़ेंगे देखिए जैसे डिफरेंट नंबर्स क्या होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं एक तो एग्जैक्ट हो सकते हैं एक मेजर्ड हो सकते हैं जैसे मैं काउंट कर रही मैं कहूंगी दो बॉल है चार पेंसिल है मैं ये तो नहीं कहूंगी दो दशमलव दो बॉल है या चार दशमलव चार पेंसिल है ऐसा मैं नहीं कहूंगी दे आर एग्जैक्ट ये एग्जैक्ट और देखिए अब कुछ रिलेशनशिप एग्जैक्ट है वन केजी इज इक्वल टू वन थाउजेंड ग्राम ही होगा कभी भी बदलेगा नहीं वन मीटर हंड्रेड सेंटीमीटर के बराबर ही होगा ये कभी नहीं बदलेगा ये एग्जैक्ट है ये हम इसमें कुछ नहीं कर सकते ठीक है ये जैसे फॉर एग्जाम्पल वन के जी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते क्योंकि वन के जी तो इक्व एक्टली वन थाउजेंड के बराबर है तो ये था एग्जैक्ट नंबर अगर लेकिन एक होता है मेजर जो मैं मेजर करूंगी वो कैसा होगा उसके लिए मुझे तीन चीजें जाननी जरूरी है नंबर वन इज एक्यूरेसी नंबर सेकंड इज प्रिस एंड नंबर थ्री इज सिग्निफिकेंट फिगर अब देखिए एक्यूरेसी क्या होती है एक्यूरेसी होती है इट इज द मेजरमेंट ऑफ नियरनेस टू एग्जैक्टनेस जो मेरी ट्रू वैल्यू है मान लीजिए मेरा पांच आना है आंसर लेकिन मेरा आंसर पांच ना आके दो आ रहा है जब मैं इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करती हूँ तो मैं एक्यूरेट नहीं हूँ मैं तो बिल्कुल मेरा करेक्टनेस ही नहीं मेरे काम में जो उसकी ट्रू वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं आ रही है तो इसका मतलब है मेरा जो रिजल्ट है जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं है और ये कहाँ पर गलती हम करते हैं देखिए जब हम ब्यूरेट में रीडिंग पढ़ते हैं अब देखिए कोई बच्चा तो ये लोअर मैनिस वैसे जो हम पढ़ते हैं वो लोअर मैनिस को ही पढ़ते हैं अब सबका पढ़ने का अंदाजा अलग होगा देखिए कोई पढ़ेगा पढ़ेगा कोई पढ़े लेकिन ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारी आंखों का अंतर आ रहा है ना तो इसलिए जो है अभी मैं आपको और बताने वाली हूँ एक्यूरेसी क्या होती है तो एक्यूरेसी वैसे यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगी जो लोअर मैनिसकस होता है वो रीडिंग एक्यूरेट होती है ठीक है दूसरी जो चीज है वो है प्रिसीजन Precision क्या होता है? Measurement of reproducibility, of repeatability. अगर आपको ध्यान होगा तो टाइट्रेशन जब आपको आपके टीचर्स कराते हैं तो वो कहते हैं कि भाई तीन बार करना कौन कॉन्डेंट रीडिंग्स आनी चाहिए एक सी रीडिंग्स जब तक नहीं आएंगी तब तक नहीं माना जाएगा तो वो क्या आपसे ये चाहते हैं कि आप है आप ही हैं। उसी पीपे को यूज कर रहे हैं उसी ब्यूरेट को यूज कर रहे हैं वही सॉल्यूशन है कोई दूसरा नहीं कर रहा है लेकिन आपकी वॉल्यूम कभी चालीस एम एल यूज हो जाता है मतलब आपकी काम की रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं है जब हम कोई दवाई बना रहे हैं मैं रिसर्च कर रही हूँ मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ मान लीजिए अभी कोरोना की दवाई चल रही है कोई कोरोना की दवाई तब तक, तक नहीं आएगी बाहर जब तक वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं होगी उसको बार बार टेस्ट करेंगे जब तक वो सेम रिजल्ट ना दे जब वो सेम रिजल्ट देगा तब जाके वो बाहर आएगा और तब जाके हमारे तक पहुंचेगी कोई भी चीज तो जब हम कोई काम करेंगे उसकी रिपीटेबिलिटी जरूरी है वो अमेरिका में करें तो वही रिजल्ट आने चाहिए इंडिया में करें वही रिजल्ट आने चाहिए सारी जगह सेम रिजल्ट आने चाहिए इसका मतलब है कि वो रिपीटेबिलिटी है उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी है उसको कहीं भी करें वो वही रिजल्ट देगा तो इसको हम कहते हैं प्रिसीजन फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है अगर हम इसको देखें देखिए ये ये टारगेट है इस टारगेट में चार मैंने पॉइंट बनाए ये चार पॉइंट देखिए ये बीच का टारगेट है टारगेट के पास में है चारों पॉइंट और ये चारों पॉइंट एक दूसरे के भी पास है इसका मतलब ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है चारों वैल्यू एक दूसरे के पास है इस एग्जाम्पल को देखिए टारगेट तो तो ये था लेकिन मैंने तो निशाना यहां मारा तो मैं एक्यूरेट नहीं हूँ देखिए मेरी एक्यूरेसी बहुत कम है लेकिन मैं प्रिसाइज हूँ क्योंकि मेरी चारों जगहें एक ही जगह पर आई है लगभग तो लो एक्यूरेसी है हाई प्रिसीजन है इसको देखिए अब ये देखिए चारों पॉइंट अलग अलग है इसको देखिए ये नजदीक है यहाँ पर ये चारों पॉइंट अलग अलग है मैं एक्यूरेट तो हूँ मैं बीच में ही हूँ लेकिन मेरा प्रिसीजन नहीं है हाई एक्यूरेसी है बट लो प्रिस अब अगर इसको देखें आप देखिए ये तो ये टारगेट था और यहाँ पहुंच गई मेरी वैल्यू तो ना तो मैं एक्यूरेट हूँ और एक वैल्यू मेरी यहाँ आ रही है दूसरी यहाँ आ रही है तीसरी यहाँ पहले बिल्कुल ही बेकार सारा एक्सपेरिमेंट खराब हो गया क्योंकि ना तो मेरी एक्यूरेसी है ना मेरा प्रिसीजन तो एक्सपेरिमेंट जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस होते हैं उनमें जनरली देयर शुड बी हाई एक्यूरेसी एंड हाई तब जो है वो आसान होगा मतलब जो रिजल्ट है दे दे आर विल बी एक्यूरेट अब मैं आपको एक और टर्म बता रही हूँ सिग्निफिकेंट फिगर ये हमेशा काम आएंगी ये चीजें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी डिजिट्स होती हैं जिसमें कुछ तो अनसर्टेन एक अनसर्टेन डिजिट होती है बाकी सर्टेन होते हैं कुछ नंबर्स के लिए तो हम सर्टेन होते हैं केवल एक डिजिट ऐसी होती है जिसके लिए हम अनसर्टेन होते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए हंड्रेड एम पानी था उसमें मैंने पॉइंट जीरो टू एम पानी और मिला दिया तो नया वॉल्यूम क्या होगा क्या हंड्रेड एम रहेगा या वो हंड्रेड पॉइंट जीरो टू हो जाएगा तो वो क्या होगा हंड्रेड पॉइंट जीरो टू क्योंकि मैंने इसमें पॉइंट जीरो टू एम सिग्निफिकेंस है

मेजरमेंट में ये बात सही नहीं है क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये डेसिमल के दो प्लेस तक मेजर कर सकता है इसलिए मुझे ये लिखना होगा मेरा रिजल्ट ये है क्योंकि 1.00 इज इन बिटवीन 1.01 एंड 0.99 बहुत अंतर है वन ग्राम किसके बीच में है देखे वन ग्राम तो जीरो और दो के बीच में है लेकिन 1.00 ग्राम जो है वो 1.01 और 0.99 के बीच में है इतना अंतर है ये केमिस्ट्री का अंतर है ये मैथ्स का अंतर नहीं है तो इसलिए जो है ये इन जीरो का सिग्निफिकेंस है ये जीरो अगर हम नहीं लिखेंगे मैं किस एपरेटर से काम कर रही हूं अगर लीस्ट काउंट मेरे ब्यूरेट का तो पॉइंट वन है, तो है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा ट्वेंटी पॉइंट जीरो मुझे लिखना पड़ेगा सो दैट इज सिग्निफिकेंस क्योंकि देखिए मैं एक मैं एक पेंसिल नाप रही हूं हो सकता है किसी की आंखें जो है वो जब मैं कोई भी चीज नापूंगी मुझे उसके लिए छोटा स्केल चाहिए उससे ठीक है अगर मुझे दस सेंटीमीटर की पेंसिल है दस दशमलव छह सेंटीमीटर की अगर मेरी पेंसिल है तो मेरे स्केल में छोटे छोटे खाने बने होने चाहिए अगर वो खाने नहीं बने होंगे तो फिर मैं उसको एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाऊंगी एक डिजिट मेरी अनसर्टेन रहेगी ठीक है सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नाउ अब मैं आ रही हूँ देखिए बहुत जल्दी खत्म होने वाला है आप लोग बोर होने से बचेंगे अब क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी uh, एक टेक्निक है जो कि स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट uh, करने के काम आती है और हाई रिजोल्यूशन इसका होता है ठीक है अब uh, ये जनरली देखिए नैनोग्राम और और लोअर लेवल तक ये मेजर हम कर सकते हैं अगर बहुत कम हमारे पास मिक्सचर है तो उस मिक्सचर को हम चाहे वो वाटर के सैंपल हो चाहे एनिमल टिश्यू हो किसी को भी हम क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं उसके कंस्टिट्यूंस को ये स्वेट ने सबसे पहले इसको खोजा था क्रोमेटोग्राफी को क्लोरोफिल उन्होंने सेपरेट किया था काफी लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में Uh, मैं आपको हल्का सा बताना चाहूंगी थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन हम तीन तरीके से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मोबाइल फेज अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ सेपरेशन अकॉर्डिंग टू स्टेशनरी फेज सो अकॉर्डिंग टू मोबाइल फेज क्योंकि जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें दो इम्पोर्टेंट मेन जो टॉपिक्स हैं वो हैं एक तो उसमें मोबाइल फाइड चाहिए और एक उसमें चाहिए एक उसमें हमें चाहिए है आप लोगों को स्लाइड दिखाई दे रही है Hello? हेलो हेलो हाँ मैम दिखाई दे रही है स्लाइड दिखाई दे मुझे भी दिखाई दे रही है अच्छा चलिए इसमें जो है हम जो मोबाइल फेज है एक उसमें स्टेशनरी फेज होती है और एक जो उसमें होगा वो होगा देखिए एक उसमें स्टेशनरी फेज एक मोबाइल फेज दो मेन फेज हैं तो मोबाइल फेज कौन होती है जो चलती है अभी आप देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगी मोबाइल जो कि चलेगी सॉल्वेंट सिस्टम और एक होती है स्टेशनरी फेज ठीक है तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो जो मोबाइल फेज होती है वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड होती है और गैस क्रोमेटोग्राफी में गैस होती है मैंने बहुत जनरल आइडिया दिया आपको अगर हम फोर्स ऑफ सेपरेशन देखेंगे तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो फोर्स ऑफ सेपरेशन है वो एडजॉर्प्शन है पेपर क्रोमेटोग्राफी में पार्टीशन है और कोलम क्रोमेटोग्राफी में कोई भी कोई भी अप्लाई कर सकता है एंड एक्सचेंज भी हो सकता है वहां पर एडजॉर्प्शन भी हो सकता है तो वो डिपेंड करता है एक जो तरीका है वो स्टेशनरी फेज पर डिपेंड करता है कि एडजॉपन का मटेरियल लगा हुआ है या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हो रही है या आयन एक्सचेंजर है या मोलिकुलर सीविंग है मोलिकुलर सीविंग जो है वो यहाँ बायो ये यह जो दो जो क्रोमेटोग्राफी है जेल फिल्ट्रेशन और एंड सेविंग क्रोमोटोग्राफी ये दोनों यूज की जाती है बायोलॉजी में एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी तो एलाइजा टेस्ट भी है uh, जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी स्पेशली एंटीबॉडीज और एंटीजन के लिए स्पेशली यूज की जाती है तो ये दीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स जो क्लासिफिकेशन है यहां पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ पेपर क्रोमेटोग्राफी दैट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का जो पार्ट है उसको मैं आपको बताऊंगी कि उसको हम कैसे करते हैं तो यहाँ पर जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो कई तरीके से हम रन कर सकते हैं असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर सोलवेंट सिस्टम चलेगा टॉप टू बॉटम चलेगा तो डिसेंडिंग टाइप रेडियली चलेगा तो रेडियल टाइप तो यहां पर जो मैंने एग्जांपल लिया है वो लिया असेंडिंग टाइप पर आप देखिए यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे ड्राई करेंगे का, और इसको हम कंप्लीटली क्लोज कर देंगे और उसके बाद ये सॉल्वेंट फ्रंट जब रन uh, करेगा तो ये जो ये दो हमने जो देखिये एक हमने ये स्टैंडर्ड uh, एक स्टैंडर्ड और एक मिक्सचर हमने लिया हुआ है तो मिक्सचर देखिए सेपरेट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा ये देखिए मिक्सचर सेपरेट हुआ सेपरेट होगा तो हमें दिखेगा नहीं कुछ भी इसमें कागज में तो हम क्या करेंगे इसका विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन के लिए जैसे यहाँ पर मैंने जो लिया है ये सोच के लिया है कि कॉपर और निकिल का मिक्सचर अगर हम लेंगे तो इसको हम पहले किसमें रखेंगे अमोनिया की वेपर में तो देखिये जो कॉपर होगा वो ब्लू कलर के स्पॉट देगा और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको डीएमजी uh, का स्प्रे करेंगे डाइमिथाइकलोइिम का तो आप देखिए जो निकल है वो ईटीआर रेड कलर के स्पॉट भी इसमें हमें दिख जाएंगे इस तरीके से आप देखेंगे ये कॉपर का स्टैंडर्ड ये निकल का स्टैंडर्ड और ये मिक्सचर था ये सेपरेट हो गया तो एक कॉपर का स्पॉट मिलेगा नीला और एक लाल रंग का मिलेगा निकल का स्पॉट तो इससे हम इजिली सेपरेशन कर सकते हैं आपका so, प्रेजेशन <laughs> बहुत अच्छा था बस यही एक दो बार कुछ दिक्कत हो गई नहीं हाँ. तो सब बच्चे बहुत मतलब अभी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे पास टाइम कम है नहीं तो आपसे हम और बातें करते हैं नहीं, तो नहीं, चा, बाते? चारू सुन रहे हैं हाँ मैम मैम थैंक यू वेरी मच और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप स्टार्टिंग सेशन में भी आपते और एंडिंग सेशन में भी हाँ, चीफ गेस्ट भी थी और वेलिडेशन में भी आप हमारी चीफ गेस्ट ये तो भी अच्छा आप रहा आपसे ही हम कुछ आपसे ही चाहेंगे की आप हमारे स्टूडेंट और हमें कुछ आशीर्वाद दें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें अबाउट दिस वर्क एंड अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और हमारे बच्चों को किस तरीके से वो एग्जाम में एपियर हुए हैं तो इस तरीके से दो दो मिनट के लिए आप हमें थोड़ा सा आप अपना एक आशीर्वाद स्वरूप वचन हमें दे दीजिए इसके लिए बड़े कृतज्ञ होंगे हम आपके थैंक यू वेरी मच नीता जोशी मैम भी बैठी हुई हैं है हाँ <laughs> हा, और अभी मुझे पता नहीं कौन कौन बैठे हुए हैं सबको मेरा नमस्कार जितने सीनियर है मेरे और आप दोनों को बहुत बहुत प्यार दोनों मेरे बहुत भिन्न वो रहे हैं जूनियर्स और स्टूडेंट मेरे दोनों के दोनों दोनों तो नहीं है चारू को भी चलो ऐसे सिखा दिया तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ओपन यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चे कर रहे हैं वो ये ना समझें कि ये जितने लेक्चर हैं बहुत कुछ हाई फाई थे और उनके किसी काम के नहीं है तो ए, कुछ लोगों के ऐसा लग सकता है लेकिन अगर हम उसको अन्यथा ना लें तो बहुत अच्छी लेक्चर सीरीज मेरे ख्याल में हुई है और बहुत इन्होंने जो मेहनत करी है आपके डॉक्टर शालिनी सिंह और डॉक्टर चारू ने एक से एक आपके आपके लिए जो स्पोक्स, जो आपके लिए जो जो लेक्चर्स लेके आए हैं टीचर्स लेके आए हैं बहुत बढ़िया सेलेक्ट करके खेल रहे हैं कलेक्शन बहुत अच्छा था और आज तक मेरे ख्याल में जब वर्कशॉप होती थी तो इतना कलेक्शन नहीं था इनके पास क्योंकि इतने जगह से लोग वहां पर आ नहीं सकते बार बार लेकिन ये ऑनलाइन में क्या हुआ बेस्ट मैं अपने को तो नहीं कह रही हूँ लेकिन नहीं, मैं, भी बेस्ट नहीं बेस्ट बेस्ट इन्होंने सिलेक्शन किया हुआ था तो आप लोगों ने बहुत गेन किया होगा ऐसा मुझे लगता है और अगर आप लोग अप लो अपनी तैयारी इसी तरीके से करिए अगर आप लोग आगे एकेडमिक्स में हमारी तरह इधर आना चाहते हैं तो फिर तो आपको थोड़ा तो तो नेट की ओर भी ध्यान देना होगा और आप मेरे ख्याल में जितने टीचरों ने दिए अगर आप उनसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करेंगे तो एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपको हेल्प ना करे तो ये तो हम ये नीता जोशी मैडम है प्रोफेसर चित्रा पांडे है प्रोफेसर ओम प्रकाश है सब हमारे प्रोफेसर आर डी कौशिक है प्रोफेसर रूबीना अमान मैडम है सब हमारे इतने अभिन्न मित्र हैं और ये सबका व्यवहार ऐसा है कि आप उसको रात को भी फोन करेंगे तो उठा लेंगे आप किसी भी तरीके की आप उनसे मदद लीजिए ली आपको हर तरीके की मदद कहीं पर भी आपको दिक्कत हो हो सकता है हमें अभी ना आए आप जब पूछें लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद हम आपको करके बनाए तो वो हम पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स और आ, 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 आप लोग जुड़े रहे हमारे